हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं शायद 2 या 3 दिन से रीडिंग नहीं डाल पाई हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत बिज़ी थी। और थैंक यू सो मच कि आप ऐसे ही वीडियो वॉच कर रहे हो, पुरानी वीडियोस को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। दिल से थैंक यू आप सभी को। और मैं आज फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, और जिसका थीम है कि एंजल्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ये, जब भी आपको मिलेगी, यानी कि आपको कुछ मैसेज देना है, कुछ हो सकता है गाइडलाइंस भी निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनकी एक प्लानिंग है आपके लिए। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, ताकि वो आप तक पहुँच सके यहाँ पर। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी पहुँचेगी, यूनिवर्स और एंजल्स चाहते हैं कि उस टाइम आपसे उससे गाइडलाइंस मिले आपको। आपको करना क्या है, इसमें से एक कार्ड चूज करना है। एंजल्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो आपके लिए, आपको इसमें से, मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखी हुई है, आप इसमें से एक कार्ड चूज करना है। ओके, ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, पाइल 1 एंड 2, इसमें से आप पीस से, शांति से एक कार्ड चूज करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, फिर आपसे जो मैच होती है, जो पाइल मैच होती है, वही आपके मैसेजेस होंगे। ठीक है, और आप पूरी रीडिंग भी देखकर आप अपने हिसाब से यहाँ पर गाइडलाइंस भी ले सकते हैं। ओके, जिससे रेजोनेट नहीं होती है तो ये प्लीज़ ये मत समझो कि हाँ हमसे रेजोनेट नहीं हो रही, हो सकता है वो मैसेज आपके लिए ना हो, किसी और के लिए हो। ओके, ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर टाइम में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी उसमें ऐड कर रखा है, तो वहां पर आप देख लेना। ओके, तो आई होप इसमें से आपने अभी तक एक पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। फर्स्ट पाइल है प्लेफुलनेस एंड सेकंड पाइल है साइलेंस। मैं क्लोज से भी एक बार कार्ड दिखा देती हूँ, इसे क्लियर है। प्लेफुलनेस पाइल 1 एंड सेकंड है साइलेंस। ओके, तो बिल्कुल आप इसको अपने अपने हिसाब से, जिस पे भी नजरें टिक रही हैं वो उसको आप अपनी पाइल बना सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से रीडिंग। एंजल्स अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये प्लेफुल कार्ड का चूज किया था, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि एंजल्स अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो अभी आपके लिए। तो इस कार्ड से मैं आपको ये बताऊँ कि आप एक अभी ऐसी एनर्जी में हो, एंजल्स अभी आपको ये बताना चाहते हैं, और आगे भी उनकी प्लानिंग यही है कि उनकी अभी आपको जस्ट यही बताना चाहते हैं कि आप जितना हैप्पी रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना आपकी एनर्जी, इतनी अभी ये टाइम आपका इतना अच्छा है कि आप एक मैजिशियन हो। ओके, जितना आप अच्छा सोचोगे उतनी पॉजिटिविटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर प्लेफुलनेस से मतलब खुशियाँ, इंजॉय, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को, कहते हैं ना, जब आपका चित्त और आपका मन खुश रहता है अंदर से, तो उतनी हमारी पॉजिटिविटी, हमारी, हम जो चाहते हैं, आपका टाइम, मैं बताऊं लिटरली आपका टाइम ऐसा है पाइल 1 कि आप जो भी खुशी खुशी अभी ईश्वर से, एंजल से, यूनिवर्स से जो भी मांगोगे वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि आप एक मैजिशियन के उसमें हो। मैजिशियन क्या होता है ना, कि जो अपनी तीनों चीज़, माइंड, बॉडी, सोल को, तीनों को एक चीज़ों को अलाइनमेंट में करके, तीनों एक बैलेंस उसमें रहता है, और जो भी मांगना चाहते हैं वो मांगना, अगर आप चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप मानना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं एंजल्स अभी आपको। ओके, यहाँ पर लिटरली मैं इस कार्ड से इतनी पॉजिटिविटी देख रही हूँ कि आपके हाथों में अभी ऐसी पावर्स हैं, ऐसी एनर्जीज है कि आप, मतलब ये लगा लो, आप
उस खुदा से उस अरदास करोगे, जो भी प्रार्थना करोगे, जो भी भगवान से जो कुछ भी मांगोगे ना, खुशी खुशी, ऐसा नहीं दुख से नहीं कि हाँ मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं, और ऐसे नहीं, मतलब तूने परमात्मा मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ है तेरा दिया मेरे पास है, तो वही इंटेंशन आपको रखनी है। और तब देखो आपके इर्द गिर्द इतनी पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को आपको फील करना है, महसूस करना है। और वो कब कर पाओगे? टेंशन में या किसी चीज़ में आप नहीं कर पाओगे, वो जब आप खुश रहोगे, बिल्कुल बैलेंस उसमें रहोगे, तभी आप उन सब चीज़ों को फील भी कर पाओगे कि आपके इर्द गिर्द कितनी पॉजिटिविटी। आप जस्ट एक, अगर आप अगर पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, तो आप यकीन मानो आप बहुत कुछ छोटे छोटे मिरेकल आप खुद कर सकते हो अपनी लाइफ में। मतलब यहाँ पर एंजल्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, वो प्लानिंग आगे की उनकी यही है कि आप इसी तरह से हंसते खेलते आगे भी बढ़ो, और बहुत सारी इच्छाएं जो भी आपकी आपकी जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको आप खुद अपने तरीके से लेकर जाओ। ओके, इस कार्ड से मुझे यहाँ पर यही फीलिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ टैरो से, कि टैरो से देखते हैं एंजल्स अभी आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। पाइल वन के लिए क्या है, पाइल वन के लिए क्या है, पाइल वन के लिए क्या सोच रहे हो एंजल्स, प्लीज गाइड मी। पाइल वन के लिए क्या सोच, एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल वन के लिए ओके, टू कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल डेफिनेटली देखो द टावर, ओके, सेवन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड वन कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो एंजल्स आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से मतलब हटाई गई हैं, मतलब ये लगा लो लिटरली आप बहुत ज़्यादा टूटे हो, बिखरे हो, वो इसीलिए किया गया है। एंजल्स अभी आपको यही बताना चाहते हैं वो इसीलिए किया, क्योंकि आपको कुछ नया करना था, आपको नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। द टावर मतलब टूटा है, बिखरा है, आपकी लाइफ से बहुत सारी मेजर चीज़ें गई हैं, हटी हैं, और यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपकी लाइफ से उन सब चीज़ों को हटाया गया है। ठीक है, बहुत जहां पर आप टूटे हो, बिखरे हो, लिटरली मतलब कहते हैं ना, बस इसके बाद और कुछ नहीं है, एंड सारी चीज़ों का, तो बस वही सोचना है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी टेंशन है, जो भी किसी चीज़ में आप करियर में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, या रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक मतलब ऐसा समझ रहे हो कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है करियर वाइज, या आपकी लव लाइफ में, या कुछ आपकी जो हेल्थ रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि जब तक सही ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल जाता, सही डॉक्टर हमें नहीं मिल जाता, तब तक वो सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो एंजल्स अभी आपको यही बताना चाहते हैं कि उन सब चीज़ों का वक्त आ गया है, हीलिंग हो रही है सब पार्टों पर आपकी, जो जो जहाँ जहाँ जिस चीज़ से टूटा है, बिखरा है, स्टक है, परेशान है, वहाँ वहाँ पर डेफिनेटली अबंडेंस है, एक अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दी जा रही है, ग्रोथ आ रही है करियर वाइज, प्लस आपकी हीलिंग की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर खुद भगवान या ईश्वर, एंजल्स यहाँ पर एक किसी ऑफर के रूप में आपके नज़दीक आएंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपको गाइड करने वाले हैं, समझाने वाले कि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलो। ओके, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पर करना है। यहाँ पर ये रिवर्स आया है, तो मैं इसको रिवर्स में ही रीडिंग करूँगी। अभी तक आप ये लगा लो कि अभी तक आप जो यूनिवर्स आपको एक हीलिंग आपको ऑफर आ रहा था किसी भी चीज़ में, लेकिन आप उन सब चीज़ें, पुरानी जो चीज़ें थी ना, उसमें अटके हुए थे, उसमें कहते ना उसी में घूमे रहना, वो चाहते हुए भी आप शायद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब
एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं, क्योंकि टाइम होता, अब टाइम है आपका कि जो ऑफर, जो ग्रोथ आ रही है, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकल रहे हो, और जो भी आपकी तरफ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, उन सब चीज़ों को आप जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो। लिटरली एक को कहते हैं ना, एक सैडनेस से आप बाहर आ रहे हो, हैप्पी हो, खुश हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। एक अभी तक आपने आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर रखा था कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी है, ना लेनी है, ठीक है, ना लेनी है, क्योंकि आप खुद ही अपने आप से कहते, अपने आप से ही डील कर रहे थे, अपने आप को ही समझा रहे थे, अपने आप को ही कहते ना रेडी करना, ओके। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि वो सब, उन सब चीज़ों का कहते ना भरपाई, एंजल्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि भरपाई यहाँ पर आपकी की जा रही है। अभी तक आप बहुत ज़्यादा वो एक ज़िद्दी मोड़ में थे, या उदास थे, निराश थे, कि समझ नहीं पा रहे थे बहुत सारी चीज़ों के, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीज़ें अब आपको बहुत जल्दी यहाँ पर समझ में आने वाली है, कि पीछे पास्ट में क्या हुआ था मेरे, क्यों हुआ था मेरे, वो सब चीज़ों से आप बाहर भी निकलने वाले हो। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हमारे साथ गलत टाइम होता है, और गलत टाइम चलता ही रहता चलता रहता, तो लिटरली हम वहीं पर फंसे भी रहते, लेकिन जब कहते किसी चीज़ को हम पूर्ण कर लेते, कंप्लीट कर लेते, तब हमारे बीच में बहुत सारे जैसे ग्रोथ आती, अपॉर्चुनिटी आती, हीलिंग होती, तो हम उन सब चीज़ों से बाहर भी निकल आते। तो वही सारी सिचुएशन आपके साथ यहाँ पर होने वाली, एंजल्स आपको अभी यहाँ पर यही बताए। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, करियर वाइज है, फैमिली वाइज, लव लाइफ, आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्यारा सा पर्सन आपको आपको एक ऑफर देने वाला है बहुत ही जल्दी, ओके। देखो यहाँ पर मैं आपको बोल ही रही थी, मैजिशियन हो आप, और मैजिशियन का कार्ड्स आपका निकल चुका है। पाइल वन, थैंक यू। बिल्कुल यहाँ पर देखो, मैंने बोला आपको कि जो चीज़ें पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को आपने एक कहते हैं ना, एक जब चीज़ें कोई हमारी लाइफ से तोड़ी जाती, निकाली जाती, जिसे हम कहते हैं ना कि जब कुछ नया कुछ करना होता है हमें, तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना भट्टी में हमें झोंकना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है हमें अपने आप को। तो वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एंजल्स आपको एक मैजिशियन बनाना चाहते हैं, एक तैयार किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ों को आपको एक हटाया, टावर यानी कि टावर वो कहते हैं ना तोड़ा गया है आपका लिटरली, और वो रिलेशन में हो सकता है, कैरियर में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में आप जहाँ जहाँ अपनी अपनी सिचुएशन से लेना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाले हो, ठीक है, बैलेंस रहोगे उतना आप अपनी तरफ पॉजिटिविटी को लेकर आओगे। सब कुछ यूनिवर्स आपको बताने चाहते हैं, आपके पास हर चीज़ है, सिर्फ आपको बैलेंस रहना है और यूनिवर्स से मांगना है। आपका माइंड, बॉडी, सोल एक कहते हैं ना बैलेंस में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फिर आप बहुत इजीली आप यूनिवर्स से प्रेयर करके, प्रार्थना करके वो सारी चीज़ों को आप ले सकते हो। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स, ओके, फोर ऑफ सोर्स डेफिनेटली आपको बहुत यहाँ पर पीस और शांति, इंजॉय, खुशी, रेस्ट, जो अभी तक आप फील नहीं कर पा रहे थे, महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर फील करने वाले हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ में देख रही हूँ, आपके करियर में देख रही हूँ, आपके लव लाइफ में देख रही हूँ, आपके वो हर चीज़ में देख रही हूँ जो अभी तक आप जिससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, ठीक है। टावर मोमेंट में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मैं यहाँ पर किसी के रिलेशनशिप में भी देख रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन एंजल्स अभी आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की गई, आपको इस तरह से तैयार किया गया है कि हर चीज़ आपके हाथ में, जो चाहो वो आप ले सकते हो, ठीक है। ये प्लानिंग चल रही है अभी उनकी, ठीक है, और ये प्लान है अभी उनका कि आपको बहुत ज़्यादा पीस में और शांति में रखा जाए, ताकि आप जो भी आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, उन सब चीज़ों को आप समझ पाओ। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, उतनी जल्दी आप उस ग्रोथ को आप समझ पाओगे, उनको वो कैच कर पाओगे, आप अपने माइंड के थ्रू जल्दी जल्दी आप कहते हैं ना, आपका माइंड जब चलता है और सही दिशा में चलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उनकी प्लानिंग है कि आपको कहीं से निकाल कर कहीं डालना था, ताकि आप अपने आप को जान सको, ओके।
यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना रेस्ट करोगे उतने शायद आपको ड्रीम्स आएंगे या आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ये काम करने की ज़रूरत है, ये नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली ऑफर है आपके लिए, हीलिंग है आपके लिए। एक आपके ऊपर है ना ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर आपका यहाँ पर रूट चक्र अभी तक ब्लॉक था, वो यहाँ पर एक हीलिंग के प्रोसेस पे अभी भी चल रहा है। कुछ कुछ का हील हो चुका है, कुछ कुछ का अभी भी चल रहा है वो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सप्रेशन और बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को टूटते बिखरते और ऐसा देखा है कि बस अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अभी भी शायद किसी रिलेशन को लेकर आपके मन में दुविधा है या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूज़न आपको बना हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एंजल्स ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए कि बहुत जल्दी उस सिचुएशन से भी आप बाहर निकल के आने वाले हो, क्योंकि ये उसी पर्सन का ऑफर है जिसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हो। जो हमेशा वो कहते हैं ना, जो शायद आप चाहते भी हो कि वो पर्सन मेरे पास आए, और शायद किसी किसी के लिए हो सकता है कि वही उसका लाइफ पार्टनर हो, कि वो उसके आने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप सोल्व हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्स डेफिनेटली ये जिसके बारे में पास्ट की ही चीज़ें हैं आपकी, ये जो टूटी थी बिखरी थी यहाँ पर, उसी के बारे में सोच विचार करें तो उससे आप लिटरली बाहर निकल के आ रहे हो। टेम्परेंस हेरोफेंट दोनों ही कार्ड बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अपने आप को यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं कि आप है ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी सोल हो, ऐसी एक प्योरिटी है आपके अंदर और ऐसी सच्चाई है आपके अंदर कि आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप डील कर सकते हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो एक हीलिंग डेफिनेटली आपकी हर चीज़ में यहाँ पर हीलिंग दी जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रहना है। एक कहते हैं ना पूजा पाठ आराधना, एंजल से कनेक्शन बनाना, एंजल से प्रेयर करना, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना यहाँ पर, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी बताई जा रही हैं। आपका हार्ट चक्र वो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना हार्ट बीट शायद आपकी कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज भी हो जाती होगी। ओके, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है टाइम कभी उधर उधर हो जाता हो किसी भी चीज़ का, लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि हाँ मेरी लाइफ में कब सवेरा होगा। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, सवेरा तो बिल्कुल आपके पीछे ही है। एक टर्न करो बस, उस सिचुएशन से बाहर आओ। एंजल्स आपके लिए बहुत बेटर प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं कि आप है ना लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कुछ ना कुछ यहाँ पर एक कहते हैं ना कल्याणकारी काम करना, लोगों के लिए कुछ भला करना, लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाना। देखो सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेंगे। हो सकता है समाज सुधारक हो या सोशल मीडिया पर हो या कुछ भी आप करते हो रिलेटेड, तो वो कहते हैं ना किसी किसी को ऐसी बातें बता देना जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपने आप निकल के आ जाती हैं। तो एंजल्स आपके लिए यही प्लानिंग कर रहे हैं अभी आपको कि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करना है। अपने आप को बैलेंस रखो, ऑफर आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, उन सब चीज़ों को बैलेंस रहोगे तभी इजीली आप समझ पाओगे। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं अब उनके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आपको खुश रहना है और आपको एक अपनी आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी निकल के आ रही है उसे ज़्यादा उसे महसूस करो ताकि और ग्रोथ और उस चीज़ से आप बाहर निकल के आ सको, ठीक है। यहाँ पर मैं एनर्जी डेक से देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स, क्या प्लानिंग कर रहे हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एंजल्स ने प्लानिंग की है भाई आपके लिए, ऑफर की, ग्रोथ की, मैजिशियन, सब कुछ दिया जा रहा है। डोर टू स्प्रिट का कार्ड निकला है, देख लीजिए आप। बिल्कुल एंजल्स आपके लिए यही प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके लिए वो गेट खोला जाए फाइनली, जहां से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और करियर वाइज आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना आशीर्वाद मिल जाना। वो एक फाइनली आपका गेट खुल चुका है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो और यूनिवर्स की, एंजल्स की, आपके एनिमल स्पिरिट्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं और उसी गेट के थ्रू आप बहुत ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर प्रूफ भी कर पा रहे हो,
ठीक है, यहाँ पर अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन थी, समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों होता है हमारे साथ ये, तो वो सारी चीज़ें आपको सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ठीक है, आपको फर अभी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, पिजन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, बर्ड से अच्छा कनेक्शन यहाँ पर फील हो पाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर एक छोटे छोटे आप शायद मिरेकल भी देख रहे होंगे अपनी लाइफ में, ब्लॉसिंग अबंडेंस पाइल वन। देखिए यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस मैं देख रही हूँ, प्यार देख रही हूँ, सक्सेस देख रही हूँ, हर चीज़ में आपकी एक हीलिंग में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, एंजल्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके लिए एक वो दरवाजा खोला जाए जो अभी तक बंद था, जहाँ पर आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हीलिंग रुकी हुई थी, ओके, वो यहाँ पर खोला जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उस ब्लेसिंग्स को, उस प्यार को, उस एक शुद्ध वातावरण को, एक कहते ना एक अधिकता, हर चीज़ में अधिकता को आप महसूस कर पाओगे। ये उनकी एक प्लानिंग है आपके लिए, ताकि आप सच्चाई से रूबरू हो सको। कहीं ना कहीं शायद अपने आप को शायद वीक मानते हो, वीक समझते हो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, हर चीज़ में आपकी ग्रोथ है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, बस कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप नहीं लेना है, ना थकना है, ना रोना है, ना पीछे की चीज़ों को याद करना है, क्योंकि यहाँ पर अब पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी सक्सेस और प्यार ही प्यार है यहाँ पर। ठीक है, तो इन बातों पे बिलीव करो और आगे की तरफ अपने अपनी चीज़ों को ध्यान से करो। देखिए यहाँ पर एंजल ऑफ करेज, बिल्कुल यहाँ पर देखो एंजल्स आपको बिल्कुल, वो कहते हैं ना हाथों पर रखना, मैं कैसे कैसे बोलूँ कि उन्होंने हाथों पर रख रखा है हमेशा उनकी, कहते हैं ना एक बाहों में अपने आप को, वो कहते हैं ना बाहें फैलाए आपके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, कि जब भी आप पुकारोगे, जब भी आप की ज़रूरत फील करोगे, तब भी वो हमेशा हमेशा आपके नज़दीक हैं और वो हमेशा आपके लिए वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सिर्फ और आपको बोला जा रहा है कि आप एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो, ना डरने की ज़रूरत है, ना किसी से घबराने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी चीज़ का भय है कि वापस से वो सब चीज़ें खराब ना हो जाएं, जो चीज़ें सुधरी हुई हैं, जो बिगड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत बना के रखो, जो बहुत सारी चीज़ें थी आपकी लाइफ से चली गई थी, ठीक है, वो सारी भी वापस यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो उस चीज़ से ये बिल्कुल भी किसी चीज़ का अपने अंदर वो नहीं रखना है कि वापस वो चीज़ें बिगड़ तो नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वक्त था, एक टाइम था, वो निकल चुका है, क्योंकि डोर टू स्प्रिट, यहाँ पर एक दरवाज़ा, किस्मत का आपका दरवाज़ा, जहाँ से ब्लेसिंग ये ब्लेसिंग से अबंडेंस या हर चीज़ की अधिकता है यहाँ पर। तो एंजल्स अभी आपके लिए यही प्लानिंग कर रहे हैं और अभी आपके लिए यही सोच रहे हैं पाइल वन। तो पाइल वन में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल वन। हाय पाइल टू, तो जिसने भी ये साइलेंस का कार्ड चूज़ किया था, तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल टू, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो। जिसे भी पर्सनल रीडिंग लेना है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर ही रखा है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, इस कार्ड से मैं आपको बताऊँ कि एंजल्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए। सबसे पहले तो मैसेज मैं यहाँ पर आपको यही दूंगी कि आपके लिए वो ये सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीस में और शांति में ले जाया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है कि शायद आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक आध्यात्मिक चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो कि हाँ यूनिवर्स क्या है, उससे कैसे कनेक्शन बनाया जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना मन में एक उथल पुथल हो जाना कि हाँ मुझे ये सारे कामों और सारी चीज़ों के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एंजल्स उन सब चीज़ों के लिए आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीस और शांति में आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं पाइल टू आपके लिए बोलूँगी कि आपका थर्ड आई, ओके, जो हमारा तीसरा नेत्र होता है, जो हमारी इंट्यूशन का होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा गाइड करता है, हमारी अंतरात्मा से कनेक्शन उससे हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए प्लानिंग यही चल रही है कि आपको पीस और शांति में ले जाया जाए, ताकि आप अपनी थर्ड आई से कनेक्ट हो सको, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो सको। ठीक है, यहाँ पर आपको गाइडलाइंस यहाँ पर ये भी दी जा रही है कि आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर पीस और शांति आप जिस जगह पे भी फील कर सकते हो, वहाँ पर आपको ध्यान और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हम क्योंकि आपको उनकी प्लानिंग है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को आगे जाके कुछ करना है। ठीक है, जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं तभी हम उन सब चीज़ों को जान पाते, समझ पाते हैं। तो ये एक यूनिवर्स एंजल्स आपके लिए बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको, और वो एक मेडिटेशन के थ्रू यहाँ पर आपको गाइड करेंगे। इसलिए वो एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको पीस और शांति में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रखा जाए। ओके, तो यहाँ पर इस कार्ड्स को मैं रख देती हूँ। अब मैं देखती हूँ टेरो से। थैंक यू सो मच। पाइल टू के लिए क्या मैसेज है? पाइल टू के लिए क्या मैसेज है? जस्ट क्या सोच रहे, क्या प्लानिंग है पाइल टू के लिए? पाइल टू, अगर आप है ना मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आपकी आपकी जो थर्ड आई है, जो कि आप कहते हैं ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें मेडिटेशन के थ्रू हमें पता चल जाती, नज़र आ जाती हैं, तो वहाँ पर आप करते हो तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा और पता चलेगा। तो आपके लिए यही प्लानिंग की जा रही है कि आपको उस दिशा की तरफ धकेला जाए, उस दिशा की तरफ आपको ले जाया जाए, और सच्चाई क्या है वो आपको बताई जाए कि हाँ ये सच्चाई है और आपको इसीलिए आपको यहाँ पर लाया गया है। फर्स्ट कार्ड आया है आपका, सॉरी मैं क्या बोल रही थी, द वर्ल्ड, जो कि बहुत मेजर कार्ड है। ये मेजर चीज़ें जो हमारी लाइफ की जो मेजर मेजर चीज़ें होती हैं, एक वही है ये कार्ड। ये कार्ड में एक ये एक बहुत ज़्यादा, जो कि मैं इस कार्ड से बता रही थी कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, ये भी एक कहते हैं ना एक जर्नी स्टार्ट होना, एक आध्यात्मिक जर्नी का स्टार्ट होना, और एक स्पिरिचुअली, एक कहते हैं ना जब हम यूनिवर्स एंजल्स इन सब चीज़ों के और भगवान एक भक्ति भावना में हम बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। एक तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी एक 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 साइकिल कंप्लीट होती है, दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है। तो वो एक कहते हैं ना न्यू बिगनिंग, नई जर्नी पर चले जाना, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है लिटरली, और आपने दूसरे उस पर आपने उन सब चीज़ों के ऊपर गए हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं आपके लिए कि आपको उन सब चीज़ों को पीछे जो हुआ है उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप एक नए रास्ते पर हो, नई जर्नी पर हो, आध्यात्मिक चीज़ों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। अगर आप पीछे की चीज़ों को नहीं भूल पाए, नहीं कर पाए, तो आप फिर आगे की तरफ कैसे बढ़ोगे? यहाँ पर वही कार्ड से कि आपको पीछे की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सोच विचार बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी एक न्यू बिगनिंग की जा रही है, एक नई सच्चाई, सच्चाई से रूबरू आपको कराया जा रहा है। ये 3D में रह के वो वाली सच्चाई नहीं, एक जो आप जानना चाहते हो वो वाली सच्चाई। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स डेफिनेटली, यहाँ पर देखो पीछे आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो एक कहते हैं ना कि जो कंप्लीट हो चुकी हैं आपके साथ, तो वापस उन सब चीज़ों को दोहराने की, याद करने की, किसने क्या बोला, किसके लिए मैं परेशान था, किसका आज तक मैंने वेट किया, ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं करनी। जिसका वेट किया था आपने वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ठीक है, जिस जो चीज़ चाहते थे वो भी आपको मिल रही है, किसी ने कुछ बोला था तो वो आपकी लाइफ से जा रहा है, और वहाँ पर पीस और शांति आप देखने वाले हो। एंजल्स आपके लिए यही प्लानिंग कर रहे हैं और आपको अभी यही बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डूबे हुए थे, एक चिंता कहते हैं ना, चिंता एक चिता के समान होती है, कहते हैं ना कि जब हम ज़्यादा चिंता करते हैं तो उससे बड़ा वो आधा इंसान कहते हैं ना डेडी रहता है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं कि वो एक वक्त था, ओके, उस चीज़ को भूलो, एक नई जर्नी पर गए हो तो उसे इंजॉय करो, उसे महसूस करो, उसे फील करो। डेफिनेटली आप एक एंजल्स की, भगवान की प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर बहुत, क्योंकि आप है ना स्पिरिचुअल बहुत हो, इसीलिए बहुत जल्दी आपने अपनी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है,
एक एक बहुत ही एक मैं वो चीज़ें देख रही हूँ कि कोई किसी चीज़ में लिटरली आप बहुत ज़्यादा लिपटे हुए थे, बंधे हुए थे, वहाँ से निकलना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, तो वहाँ पर शायद आपको एक पीस और शांति, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है। कहते ना कि हम किसी के, हो सकता है किसी से, किसी पर्सन को ले लो या किसी चीज़ को ले लो जिसमें हम जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे या किसी को चाहते थे, तो वो लिटरली वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मूथली एक प्यार से बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर होने वाली है। एक कहते हैं ना कि कुदरत, कुदरत जब हमारे ऊपर हाथ फेराता है और हमें हीलिंग देता है, हील कर देता है, तो वो कहते हैं ना वहाँ पर तो हर चीज़, दुख परेशानी उसका अंत हो चुका होता है। तो यहाँ पर वही है कि आपको कुदरत का बहुत सपोर्ट है, बहुत प्यार है, बहुत हीलिंग है, और वो सारी चीज़ें आप लाइफ में यहाँ पर दी जा रही हैं। एंजल्स की प्लानिंग यही है और आपके लिए आपको यही बताया जा रहा है कि जो एक वेटिंग मोड है, बहुत ज़्यादा चीज़ का वेट था आपने, बहुत प्यार साइलेंस उसमें, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको दी रही। 9 of Pentacles डेफिनेटली अधिकता अबंडेंस, एक रिलेट आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को अप से, जो चीज़ें आपकी ऐसी थी जहाँ पर आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था, वहाँ आपने बैलेंस किया अपने आप। फाइनली वो कहते हैं ना कि चीज़ें आपने अपनी बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस किया है यहाँ पर, ठीक है। एक कहते हैं ना अपने आप को ही हील करना, वो हीलिंग आपने खुद से की है यहाँ पर। आपने अपने रूट चक्रास के ऊपर आपकी जो भी इच्छाएं थी, जो भी आप भगवान से प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एक बहुत ज़्यादा आप वेटिंग में थे, एक पेशेंस, यहाँ पर वो सारी इच्छाएं की यहाँ पर पूर्ति की जा रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स अभी आपके लिए यही प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी तक जिन चीज़ों से आप वंचित रहे हो, किसी के प्यार के लिए या फाइनेंशियली सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा करियर में या किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब वो सारी चीज़ें मेरे पास होंगी जो मैं चाहता हूँ, तो डेफिनेटली एंजल्स अभी आपको यहाँ पर यही बताने चाह रहे हैं कि वो हर चीज़ आपकी बैलेंस की जा रही है, हीलिंग दी जा रही है यहाँ पर, हर चीज़ में आपकी अधिकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आपका यही बता रहा है कि पास्ट में अगर कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हमारा मनोबल तोड़ देती है, हमें अपनी आपकी जिस चीज़ पर आप काम करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, अगर आप कि कभी किसी टाइम पे हो सकता है कि जो चीज़ें नहीं मिली हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही वही सारी चीज़ें हमारे साथ होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं और इनकी यही प्लानिंग भी है कि अब आप अपने आप को कहते हैं ना अपने आप से प्यार करना, ठीक है, अपनी खुशियों के साथ इंजॉय करना, आपको भर भर के प्यार हर चीज़ में, आपके कैरियर पे भी आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी खासी आप एक पोजीशन को अचीव यहाँ पर करोगे, ठीक है। एक यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में किसी की वजह से या अपने खुद की एक हमारी इच्छाओं की उसकी वजह से हम अपने कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं एक कहते थे ना कि लो कर देते, तो यहाँ पर एंजल्स आपके यही बताना चाहते हैं कि अभी तक आपका शायद कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो था, किसी की वजह से हो सकता है ये, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपके अंदर एक कहते हैं ना आपका मनोबल और ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप जो चीज़ आपकी तरफ भेजी जा रही उसको अचीव ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कर सको, ठीक है। आपने जो अभी तक अपनी चीज़ों के प्रति एक होप बना के रखी हुई है ना, उसको बना के रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 cards और लूँगी कि एंजल्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी प्लानिंग एंजल्स देखो यहाँ पर आपको है ना बहुत एक प्यार से आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, एक लव लाइफ में लेके, एक कैरियर में लेके, आपकी खुद की हीलिंग को लेकर यहाँ पर एक कहते हैं ना सेल्फ हीलिंग, जो एक तो होता है कि हम खुद भी करते हैं प्लस उसमें हमारा सपोर्ट सिस्टम यूनिवर्स एंजल्स करते हैं, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आपके ना आपने भी अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करी, एक चाहते थे दिल से कि हाँ मुझे भी अपनी चीज़ों में आगे ग्रोथ करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर देखो आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स बोल रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी प्रोटेक्शन में हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जो आपकी तरफ, कहते हैं ना, शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, कहते हैं ना, अपनी चिड़चिड़ाहट या अपना गुस्सा या अपना फ्रस्ट्रेशन या आपके ऊपर निकालते हो, तो उसकी वजह से भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीस और शांति में यहाँ पर रहने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से इंजॉय कर सको और जो एंजल्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं उसे आप अचीव कर सको। ओके, यहाँ पर मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स, क्या प्लानिंग कर रहे हैं पाइल टू के लिए, क्या प्लानिंग है पाइल टू के लिए, एंजल्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं पाइल टू के लिए। एंजल्स अभी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बच्चे सावधान, ये टाइम आपका कुछ कहीं पर भी कुछ भी दिमाग लड़ाने का या कहीं पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस लगाना है, अपने ऊपर काम करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स यूनिवर्स चाहता है कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर देखो एक एंजल्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, एस ओ कप्स, जो कि ये भी हमारा इमोशनल, हमारा दिल, हमारी दिल की बातों को, हमारी भावनाओं को, हम क्या चाहते हैं, कितने प्योर हो आप, ये सब चीज़ें वही बताता है। आप है ना एक इसी तरह की एनर्जीज है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो। ओके, बहुत जल्दी आप दूसरों की एनर्जी को यहाँ पर पिक कर लेते हो, बहुत जल्दी आप लोगों की कहते ना बातों में फंस जाना, वो भी मीठी मीठी बातों में आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा उन लोगों से अलर्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आपको शायद बटरफ्लाइज अभी बहुत नज़र आ रही होंगी और बहुत ज़्यादा आपको ड्रेसेस पे अभी थोड़ा सा आपको अपने ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने मेंटेन करो, हो सकता है आपका आपका शायद किसी किसी के लिए, देखो किसी किसी के लिए ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो, बैठे हुए हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, वॉकिंग नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, उनका वेट बढ़ने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, और जो लोग बिल्कुल खा पी नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो अपनी ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी ब्यूटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपकी ब्यूटी यहाँ पर कहते हैं ना कि आपका एक बहुत प्यारा सा दिल है आपके अंदर, प्लस उस चीज़ को ऊपर की तरफ भी कहते हैं ना कि जब हम ऊपर से थोड़े से ठीक ठाक से नज़र आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, एक हम खुद ही अपने आप को प्यार करने लगते हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए पाइल टू यही निकल के आ रहा है कि आप अपने आप से प्यार करो, अपने आप को थोड़ा सा सजाओ, वॉक करो, थोड़े से अपने ड्रेसेस के ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको अभी अपने ऊपर टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है किसी के थ्रू आपको कुछ अवार्ड भी मिल सकता है यहाँ पर, किसी किसी के लिए ये निकल के आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रशंसा के पात्र बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, एंजल्स यही प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। ओके, एक्शन, देखो यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं आपको कि पीछे की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ अपने आप को बैलेंस करते हुए सिर्फ आगे की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत कुछ उन लोगों ने प्लान कर रखा है आपके लिए, और जब आप एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे अपने आप को बैलेंस करते हुए, तभी आप उस प्लान को समझ पाओगे। ठीक है, सिर्फ आपको अपनी, वो कहते हैं ना, बस ये लगा लो कि आप कॉम्पिटिशन कर रहे हो और उसमें आपको आगे निकलना है। ठीक है, एक अपने अंदर एक वो एक भावना आपको रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन हाँ, गलत इंटेंशन आपको किसी भी तरह से नहीं रखना है, एक सही इंटेंशन से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। एंजल्स अभी आपके लिए यही प्लान कर रहे हैं। अब आपका बहुत पॉजिटिव टाइम है, तो उसको मिस नहीं करना है आपको, सिर्फ आगे बढ़ना है यहाँ पर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच।
यहाँ पर थ्री कार्ड्स यहाँ पर मैं लूँगी। ओके, शेयरिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कि मैंने अभी बोला था कि बहुत अच्छी पोजीशन पर यहाँ पर करियर वाइज कोई जॉब, किसी को जॉब का ऑफ़र यहाँ पर मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आपको एक हो सकता है आप लाइट वर्कर हो या बहुत ज़्यादा किसी को शेयर करने में, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका दिल है ना बहुत प्योर है। तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि अगर आप सही इंटेंशन से किसी चीज़ को देते हो तो आप में उसकी और ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर होगी, ठीक है। लेकिन देख इसको रहे हो वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। एंजल्स अभी आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, ठीक है। करेज, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, न्यू बिगनिंग हुई है, तो थोड़ा सा आप अभी बहुत नन्हे मुन्ने से बच्चे हो। ओके, एक कहते हैं ना कि जब हम किसी फील्ड में आगे बढ़ते तो एक एक कदम फूंक के रखा जाता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस फील्ड में भी आप हो, कुछ चीज़ें आपको मिली हुई हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पर एंजल्स आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपको दिया गया है और आप बिल्कुल एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक न्यू बिगनिंग हो रही है और बिल्कुल आपको एंजल्स की तरफ से बहुत एक हिम्मत, तो कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर दी जा रही है। सक्सेस यहाँ पर देखो एंजल्स आपको प्लानिंग यही कर रहे हैं कि आपको है ना, जो मैं पूरी रीडिंग में यही कहती आ रही हूँ कि सिर्फ आपको आगे की तरफ बढ़ना है, इंजॉय करना है, खुश होना है, क्योंकि आप सक्सेस की तरफ हो। आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सक्सेस यहाँ पर आप देखने के लिए आपको मिलेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने अभी यहाँ पर किसी कार्ड्स में भी बोला था कि बहुत जल्दी आपको किसी से एक अवार्ड या कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही प्राउड फील करवाएंगी। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर दी जा रही है और है भी आपके अंदर। तो पाइल टू, ये थी आपकी रीडिंग। एंजल्स अभी आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल टू।